गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियोस बना कर लाया हूँ, जिसके यूज़ से आप अपने स्टूडेंट्स को घर बैठे अपने मोबाइल से किसी भी तरह के फाइल से, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी है, उससे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसी मोबाइल में ट्यूटोरियल ऑन करना है, इसी मोबाइल में राइट भी होगा, और इसी मोबाइल से आप मोबाइल वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सअप, फेसबुक या यूट्यूब में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने स्क्रीन में दो एप्लीकेशन रखी हुई है, वो दो एप्लीकेशन आपको दिख रही होंगी। उसमें फर्स्ट नंबर है ड्रोन स्क्रीन या सेकेंड नंबर है स्क्रीन रिकॉर्डर। आपको ये दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है पहले। ओके, तो जब प्ले स्टोर में जाइए या किसी भी ऐप स्टोर में जा सकते हैं आप। यहाँ से ये दो स्क्रीन रिकॉर्डर आप डाउनलोड कर लीजिए। स्क्रीन रिकॉर्डर और ड्रोन स्क्रीन अगर आप डाउनलोड कर लिए हैं तो उसके बाद क्या करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लिया है, इसे हम ओपन करते हैं। ओपन हो जाने के बाद इसमें जो सेटिंग्स होते हैं वो आपको थोड़े बहुत चेंज करने हैं। तो क्या चेंज करना है, तो मान लीजिए कि मिनिमाइज ऑन रिकॉर्ड ऑन करना है, कंट्रोल ऑप्शन होता है, जो कंट्रोल ऑप्शन में नोटिफिकेशन जो आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन बार में आप देख सकते हैं, वो आप ऑन कर सकते हैं। अगर आप बंद कर देंगे तो नोटिफिकेशन को नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर क्या है, स्लीप ऑन मोड, नेक्स्ट स्टॉप ऑन स्लीप, इसको ऑन कर देना है, क्योंकि आपको अगर इंस्टेंट आपको वीडियो बंद करना है, आपका वीडियो ख़त्म हो जाए, आपको प्रॉपर कट करना नहीं आता, तो इसे ऑन होंगे तो आप जैसे भी अपनी मोबाइल की स्क्रीन जो पावर बटन होता है उसे बंद करके दबाएंगे तो अपने आप ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा, तो वहीं से तक आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉप ऑन शेक, उसे बंद रखना है, लिमिट टाइम उसे बंद रखना है। बैक आ जाइए, आगे चलते हैं। ये वीडियो फोल्डर है, आपको जहाँ भी ये वीडियो डाउनलोड करके मतलब शेयर करना है या स्टोर करके रखना है तो आप वो वहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अब वीडियो रिजोल्यूशन जो होता है वो मैक्सिमम रखना है, जो मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम रखा हुआ है, आप इसमें चेक कर सकते हैं, इतने सारे ऑप्शन आते हैं, इसमें से मैक्सिमम जो होता है वो रख लीजिए। वीडियो ओरिएंटेशन जो होता है वो ऑटो रख सकते हैं या पोर्ट्रेट लैंडस्केप भी रख सकते हैं। आप जैसे भी वीडियो पढ़ाना चाहते हैं, मोबाइल का स्ट्रेट रखते करते हैं तो पोर्ट्रेट कर सकते हैं, अगर मोबाइल को आपको लैंडस्केप रख पढ़ाना चाहते हैं तो लैंडस्केप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रेम रेट हो उसे कुछ नहीं करना है। शो टच जो होता है उसे ऑन कर दीजिए। ओके, बेस्ट ऑप्शन है ये कैमरा, आप अभी देख रहे हैं मेरी जो कैमरा की स्क्रीन जो मुझे देख रहे हैं उसी कैमरा की वजह से है। तो कैमरा ऑन जो होता है, फ्रंट लिखा हुआ है, आप फ्रंट और बैक दोनों से रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो मैंने फ्रंट कैमरा रखा हुआ है। एक्सपेक्ट रेशियो जो होता है वो काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, पर इसमें से बेस्ट ऑप्शन है 4:3 जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ट्रांसपेरेंसी 100% रखनी है। साइज़ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो कैमरा का जो व्यू होता है जो अभी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, चलो बैक आ जाते हैं। मिनिमम 10% होता है, तो हमने अभी 25% रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं 25 में इतना आपको दिखेगा। और इसे आप मूव भी कर सकते हैं, कहीं भी इजीली मूव कर सकते हैं आप टच करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड साउंड, उसे ऑन कर दीजिए। माइक्रोफोन डिफ़ॉल्ट अपने आप ऑन हो जाएगा। साउंड क्वालिटी, तो साउंड क्वालिटी ऑटो भी रख सकते हैं या 128 बाइट्स पर भी रख सकते हैं, आप जो भी चाहे वो रख सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्लियरिटी इसमें अच्छी आती है, मैंने 120 बाइट्स रखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग ऑन है, काउंटडाउन जो बिफोर होता है उसे स्टार्ट कर लीजिए। उसमें नीचे 9 सेकंड लगा हुआ है, अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो उसके अंदर 3 सेकंड ही होता है, पर आपको उसे बढ़ा देना है, ताकि आपको अगर मोबाइल में किसी एप्लीकेशन को खोलना है, इसे बंद करना है, तो उसमें 5-10 सेकंड तो चले ही जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप उसे काउंटडाउन करके 9 सेकंड कर लीजिए, तो उससे हिसाब से आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। चलिए, ये बात हो गई स्क्रीन रिकॉर्डर की, इसे बैक कर देते हैं। अब बात करते हैं ड्रोन स्क्रीन, तो मैंने ड्रोन स्क्रीन ओपन कर लिया है। तो ड्रोन स्क्रीन ओपन होने के बाद इसमें ऊपर स्टार्ट बटन होता है, उसे ऑन कर देना है और कुछ नहीं करना है।
और फिर इसे मिनिमाइज़ कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, और ये लेफ्ट हैंड साइड एक स्क्रॉल आ गया है। उस स्क्रॉल में सबसे पहले ऊपर से नीचे तक, ऊपर जब फर्स्ट में है आप, वो ब्लू है, वो ब्लू एरो को टच करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, उसे फिर से टच करेंगे तो वो दिखने लगेगा। तो सेकंड नंबर कलर है, थर्ड नंबर ब्रश है। ब्रश से आप अच्छी तरह से ब्रश मतलब कलर के साइज़ बढ़ा सकते हैं। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत बड़ा ब्रश हो गया। ये यहाँ से इरेज है, इरेज लेके भी आप कैंसिल कर सकते हैं। बैक करेंगे तो भी चलेगा, डिलीट करेंगे तो अच्छा रहेगा। डिलीट करना अच्छा ऑप्शन अच्छा है। कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, चाहे आपको पिंची का जो भी कलर है ब्रश, वो किसी भी कलर का ले सकते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से। फिर रहता है डिलीट, हमने देख लिया बैक साइड एंड डिलीट, एंड नेक्स्ट एक आई दिख रही है आपको, है ना। तो जो आई है वही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसे ऑन और ऑफ करने से आपका जो स्क्रीन जो होता है वो स्क्रीन चलने लगेगा, बंद हो जाएगा। अभी ऑन है तो चलने लगेगा, अब बंद होगा तो अभी चलने नहीं है, अभी लिखना शुरू हो जाएगा। आपको ये ब्रश लेना है और ब्रश ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ब्रश अगर थोड़ा सा पतला ले लेते हैं, 10 रख देते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, ये डिलीट हो गया, तो 10 मीन्स इतना होगा, तो आप कुछ लिखेंगे तो बच्चों को अच्छी तरह से दिखाई देगा। डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट सेटिंग है। सेटिंग में कुछ नहीं करना है, और लास्ट में जो ऑप्शन हो एरो का उसे एग्जिट है, अगर उसे दबा देंगे तो एग्जिट हो जाएगा, पर अभी हमें उसका काम है इसलिए एग्जिट नहीं करते, सिर्फ मिनिमाइज़ करते हैं। ठीक है, और ये अभी लिखना शुरू है तो हमें जो आइज़ है उसे ऑफ करना होगा। पहले डिलीट करते हैं, फिर ऑन कर देते हैं, और बाद में मिनिमाइज़ करते हैं। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट जो थिंग्स होते हैं जो बच्चों को पढ़ाना होता है, तो मटेरियल कहाँ से लेंगे, तो आपके जो मोबाइल में किसी भी फोल्डर में जहाँ भी आपका जो मटेरियल्स पड़ा हुआ है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो भी है, उसे आप ऑन कर लीजिए। एसडी कार्ड में से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बीएससी सेमेस्टर 5 एक सिलेबस की कॉपी है मेरे पास HNGU यूनिवर्सिटी की, इसे ऑन कर लेते हैं हम। ये जो भी PDF फाइल है तो PDF व्यूअर में खुलेगी, अगर PPT है तो PPT में खुलेगी। आप जो कुछ भी चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए PDF फाइल शो होना शुरू हो गई है। आप इसे लैंडस्केप भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये अपने आप कैमरा भी लैंडस्केप हो जाएगा और अपना वीडियो भी लैंडस्केप हो जाएगा। ठीक है, अब आप जब आपको देखना है और इंस्टॉल करना है तो आपको अब सावधानी रखनी होगी ताकि आपका जो भी वीडियो है उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि इस PDF फाइल ओपन हो गई है, तो आपको अगर बच्चे को पढ़ाना है तो आप इसमें स्क्रॉल ऑन कर लीजिए। स्क्रॉल ऑन करने के बाद इसमें जो भी राइट होता है इस आई को दबा दीजिए। अब आप इसमें लिख सकते हैं कि BSc सेमेस्टर 5 है, पेपर 501 है, टॉपिक्स केमिस्ट्री है, ये पाटन यूनिवर्सिटी का हेमचंद्राचार्य नॉर्थ यूनिवर्सिटी पाटन। ठीक है, अगर अब जाना है तो फिर से ये जो आइस होती है उसे ऑन कर दीजिए। अब आप अब जा सकते हैं, अब जाइए। अगर आपको फिर से कुछ ऐड करना है तो आप बता सकते हैं कि यूनिट नंबर 1 रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर आपको यहाँ कुछ हाईलाइट करनी है तो हाईलाइट भी कर सकते हैं आप, टिक करना है तो टिक कर सकते हैं, राउंड करना है तो राउंड कर सकते हैं। इसे डिलीट कर दीजिए और फिर आइस को ऑन कर दीजिए। अब आप स्क्रॉल फिर से कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं स्पेसिफाइड टॉपिक्स जो दिए होते हैं, वो टॉपिक्स आप 1 by 1 स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करके उसमें कुछ साइड में लिख के भी बता सकते हैं। तो इस तरह आप अपना पूरा जो मटेरियल्स होता है वो बच्चों को पहुँचा सकते हैं, और इसे मिनिमाइज़ कर दीजिए तो आपका जो वीडियो होता है वो अच्छा रहेगा। और आप इसके अब करना चाहते हैं पोर्ट्रेट पोजीशन में तो वो भी कर सकते हैं, अपने आप हो जाएगा। या स्क्रीन से आप इजीली मूव कर सकते हैं कैमरा को, और इस ऑप्शन को भी इजीली मूव कर सकते हैं कहीं भी, तो आप इसे पूरे का पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से जैसा भी मटेरियल हो वो आप पढ़ा सकते हैं। थैंक यू।